Hello Hello everyone, good everyone. morning and khama ganesh. Khama ganesh. Welcome back to today's vlog. तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग हैं ऊपर. मैं फैला मिला पूरा भंडोरा सो. हाँ, तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं हमारे क्या बोलते हैं दहेज का सामान. दहेज का मेरे दहेज दहेज लेना पाप है, घर के नीचे साफ है. आपने क्यों लिया मेरे शादी का? दहेज नहीं, ये गिफ्ट था. अच्छा. मतलब जैसे बर्तन वर्तन देते हैं वो. हाँ, तो मेरी शादी में जो पर हमने दहेज नहीं लिया. हाँ, दहेज नहीं लिया था. तो अभी हम क्या निकाल रहे बता देती हूँ. जो मेरी शादी में मम्मी पापा ने बर्तन दिए थे ना, उसमें से एक सिंगल बर्तन हम लोगों ने आज तक नहीं निकाला. सिंगल तो नहीं, एक दो तो निकाले हैं शायद, है ना. जैसे कुकर निकाला था, बस ये एक दो चीज़ें निकालती. इंडक्शन निकाल लिया था, कुकर वगैरह. बाकी तो मोस्टली सब यही है. ये रहे देखो, दो बोरे भरे हुए थे तो एक तो खाली कर दिया हमने और एक वो रहा. तो हम इसलिए निकालेंगे कि नीचे हमारी नई किचन बनी है, तो ये बोल रहे हैं उसमें सारे नए बर्तन रखेंगे. तो खरीदने से बेटर हमारे पास है. और नीचे जो किचन है ना, सॉरी टू इंटरप्ट, मागा नीचे जो किचन है ना, देखो मारे लगभग 10 चमचे हैं. मतलब चम्मच 10 तरह की चम्मच है, सिंगल एक भी चम्मच को नहीं, मतलब सब 10 तरह के अलग अलग चम्मच हैं. ऐसे बिखरी हुई आड़ी बाकी कोई टेढ़ी छोटी. हमने सोचा है कि जो नीचे के जो पुराने बर्तन है ना, उनको तो हम ऊपर वाली किचन में रख देंगे फॉर इमरजेंसी यूज, ठीक है. और जो नए बर्तन है सारे एक सार है, वो सब हम नीचे वाली नई किचन में रखेंगे. तो बस हम वही कर रहे हैं. तो ऊपर का मेरा सारा रूम सब कुछ फैला हुआ है इस तरीके से. पता नहीं कभी पूरा काम होगा. अब तो थक चुके. अब आपको सारा दहेज का स्टील का सामान भी दिखाएंगे जो कि आज तक कभी किसी ने रिवील नहीं किया. आज वो हम करेंगे. तो ये एक तो इसको यूज लेंगे हम आटे. ये हमने मेनली तो हमने निकाले सामान इसलिए क्योंकि हमें आटे की टंकी चाहिए थी. हमने जो नीचे किचन बनाई थी, जो एक ड्रॉर है तो उसमें हमारी जो अभी टंकी है ना, बहुत ज्यादा बड़ी है. उसमें 40 किलो आटा था, वो किसी में फिट नहीं हो रही. तो हमें छोटी टंकी चाहिए थी इसलिए निकाला था. बाकी फिर अब मैंने कहा निकाले तो बर्तन भी निकाल लेते हैं. अपन पहले पता क्या होता था, जैसे जो बर्तन देते थे ना उसके ऊपर नाम भी गुदवा, इसमें भी है नाम. जो नए बर्तन है उन सब में नाम है. और कुछ बर्तन तो पहली शादी थी ना, तो मम्मी पापा ने क्या बोलते हैं इसके ढक्कन पे होगा नहीं तो. और मोस्टली बर्तन तो पता मेरी दादी मम्मी ने संभाल के रखे थे नीतू की शादी के लिए. नाम का है मतलब बर्तन है. ये कह रहे नहीं है, नहीं है, नहीं है. ये रहा, ये रहा सब नाम. ये रहा, दिखा, दिख रहा है नीतू. हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है. ये रहा नीतू. ये रहा. मतलब ऐसा सबके साथ होता है कि ना, जो पहली शादी होती है ना, तो माँ बाप क्या शुरू से ही इकट्ठा करके रखते. तो मोस्टली मतलब आधे बर्तन जैसे जो पहले से इकट्ठे कर रखे थे, जो नए लिए थे ना, उन सब पे नाम है मेरा. किस किस के है ना, मतलब किस किस के बर्तनों पे नाम लिखे वो जरूर. पहले के पेरेंट्स हमेशा लिखवाते थे. पेरेंट्स पहले लिखवाते थे नीतू. ये हमेशा याद रहेगा कि नीतू का था. नहीं है आगे आगे बने. आगे कौन आने वाली पीढ़ी यूज करेगा. चलो इन सामान को लेकर चलते हैं नीचे. हाँ. और फिर इनकी, और एक आज हम ये भी निकालेंगे. कोमल ने बच्चों को एक तो आपने गाड़ी देखी है इनकी, राइड ऑन वो दी थी. और एक ये घोड़ा दिया था, हॉर्स. ये ऐसे मतलब शायद झूले एक तरह से होता है, सी सो टाइप. तो ये निकालेंगे. मैंने कहा अब तो घर बन गया, निकाल लो. उसने छोरे ने दिया था गिफ्ट, तो अभी निकालेंगे, ये भी दिखाएंगे. चलो भाई नीचे चलो. इनको लेकर क्या कर रहे हो बेटा? खाना खा रहे हो? खाना खा रहे हो? ये कौन सा तरीका है खाना खाने का रिद्धि? ये कौन सा तरीका है खाना खाने का बेटा? ऐसा कौन खाना खाता है? क्या करे, गंदा कर दिया आपने सारा. अभी इसमें से कुछ नहीं बचा, अभी इसमें दही आपने खा चुका है. हाँ तो आज निकू भाई साहब मार्केट गए थे और निकू भाई साहब मतलब सबके लिए आइसक्रीम लेके आए थे. अब इसने निकू भाई साहब को खाते हुए देख लिया, तभी आइसक्रीम लेके बैठ गए. रुद्र भी खाएगा, लो वो भी हाथ में लेगा. खाना नहीं खाएगा? भैया को दो. आप भैया को दे दो. एक बार भैया को भी दो, ले लो. एक बार टेस्ट तो करेगा ना भाई. अब टपकेगा तो टपकेगा, नहीं कैसे खाने दे तो इसको. तो बीच बीच में ना मुंडा में खाती रही ने. वो तो खा ले, ये नहीं खाएगा, ये ऐसे नाटक करता है. वो खाता नहीं, वो खेलता है, खेलाता है चीजें. देखो वो खाता नहीं है. देखो चटोरी इन स्वाद आगो. दीदी खाओ इसे, गिर जाएगा दीदी. ये हां ये तो मैं खा दूंगी, मेरे को खत्म करना पड़ेगा. आप ले लो, ले लो टपकेगा ये. ऐसे इसी के हाथ से ले लिया करो. लो आ बोलो आ. आप खिला दो वो, खिला दो बुआ को, खिला दो.
खालो 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 बुआ को दे दो, बुआ को दे दो आइसक्रीम। खाले 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 आप खालो नहीं कैसा, ये पूरा टपकेगा, दे दो ऐसे ही रंडी दे दो। गुस्सा आ रहा है इसको आपके ऊपर, देखो। अरे ओ मार रही है उसको, पता क्या कर रही, रुद्र को मार रही थी अभी गुस्से में। आ गया मैं वापस, चल जूते उतार लेने दे मुझे पहले। चलो आ जाओ, गुड मॉर्निंग। उड़ते तो नहीं है दोनों। हेलो एवरीवन, खमा गणेशा एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह की 8। मैं जस्ट अभी आई हूँ मेरी योगा क्लासेस से, आपने भी देखा ही, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस एक जो पॉइंट है ना, मतलब सुबह उठने में इतना ज़्यादा जोर आता है मुझे, बट उस टाइम पता नहीं कैसे कर लेती हूँ मैं, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जो महा आलसी नहीं होते उनमें सीधी सोने के मामले में, ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है वो है सोना। बचपन से मुझे सोना बहुत पसंद है। अब पता नहीं मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करके उठा लेती हूँ, एक पॉइंट पर ऐसा लगता है जब अलार्म बजता है कि छोड़ बंद करके सो जा, बट फिर मैं उठती नहीं, नहीं तो एक बार तूने ऐसे कर लिया ना भाई, एक दिन छुट्टी कर ली तो डेली तेरे को ऐसे रहेगा कि छोड़ छोड़। तो फिर मैं उठी और इसी मोटिवेशन के साथ जाती हूँ कि नहीं तेरे को जाना है। अब मेन मेरा मोटिव पतला होना, ठीक है पतला भी होना है, बट मेन वो नहीं, मेन है कि स्ट्रेंथ है। मैंने देखा मेरे अंदर स्टेमिना स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया आफ्टर प्रेगनेंसी, जान ही नहीं शरीर में, कभी कमर दर्द कभी पैर दर्द, मतलब बॉडी ऐसे दुखती है। तो मैं नहीं चाहती आगे एज में मैं अपने बच्चों को भी ना संभाल पाऊँ और मैं बस ऐसे पड़ी रहूँ कभी कुछ और मेडिसिन डॉक्टर्स के पास निकालूँ अपना टाइम। तो दैट्स व्हाई मैंने योगा ज्वाइन किया, जिम नहीं किया। और बाकी सब सो रहे, अभी संजीवना उठे थे बच्चों को, वो उठा रहे थे, अब वापस हो गए वो भी। तो बस अब मैं अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी, कुछ खाएंगे, पहले चेंज कर लेती हूँ मैं कपड़े, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो अभी हो चुकी है आफ्टरनून, दोपहर हो चुकी है, और मैंने अपने लिए बनाए हैं ब्राउन राइस, जो कुकर की सीटी निकल चुकी है और अब मैं खाऊंगी। भूख लग रही, संजू बना ऑफिस से नहीं है, ज़्यादा काम है शायद तो लेट हो गए। बहुत से लोग पूछते हैं, इसी बार बताए भी खैर, हाँ मतलब जिनको हेट कमेंट्स कर रहा है, नेगेटिव सोच रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कि घर पर ही रहते हैं, अरे वो घर पर रहते हैं, घर है तो इंसान घर पर ही रहेगा ना, रोड पर तो रहेगा नहीं। और दूसरा, हमारा खुद का ऑफिस है, हमारा खुद का बिजनेस है, इसलिए हमारे पास इतना फ्री टाइम होता है, हम अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग हम आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिस में अभी कुछ ज़्यादा ही काम है, तो अभी तक आए ही नहीं है, अभी 3 बजे हैं 2:30 बजे से, तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, हम साथ ही लंच करते हैं, बट वो आए तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और ये मेरे पुलाव बनकर रेडी है, बने तो अच्छे हैं, चलो अब खाते हैं क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लग रही है। आज इसके पैर पे लग गई, देखो पैर पे, देखो अंगूठा कट गया ये। अरे मेरा बेटा, अरे ये कैसे हुआ, ग्लास खेल रहा था रसोई में, ग्लास गिर गया स्टील का, इसके ये खाल उतर गई ना यहाँ से, स्किन थोड़ी सी जो कि मैंने छुपा के रखी थी रिद्धि की वजह से, ये काली मिर्च गिर गई, तब खाते हैं। अच्छे बना। तो ये रुद्र के लगा रहे हैं ये ऑयल, मतलब कुछ पता नहीं कौन सा ऑयल है, क्या लगा रहे हो? तो निको दीजिए, कन्नू दीजिए, देखो तेल है, जख्म मसाला लगेगी। अच्छा मतलब कुछ, मतलब जख्म वगैरह हो जाता है ना, तो ये लगाने से ना मतलब सही हो जाता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। ऑयल ब्रांड है कोई, वो उनके देवर लाए थे सुरजीत बना ना, कहां से, कतर से लेके आए थे, मतलब इससे कोई भी घाव वगैरह ना एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। और यहाँ देखो ये रिद्धि भाई सा, अरे देखो उसने सीधी चम्मच से खाया,
ये बैठी बैठी दही खा रही है खाना। यम्मी तो दिखा रही है, यम्मी खा रही है बेटा, सारा ढूंढ रहा है दीदी। यम्मी ओ पापा को बता रही है। वाह तो गुंडी खा लो। इसके पैर में दर्द हो रहा है या लग गई ना। अब इसके पापा डॉक्टर के भी ले जाने वाले, इतनी सी चोट है क्या डॉक्टर के लिए लगी छे जरा सी। इसमें क्या डॉक्टर इसको दर्द हो रहा है ना। बच्चे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाहिए भाई सभी, वरना चले वरना भाई टावर फेर भी अमूल वे भी हो जाएगा। देख 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 सीधी चम्मच पकड़ी, देखो उसने देखो सीधी चम्मच पकड़ी खा रही है। देखो रिद्धि चिप्पी चिप्पी, आजकल हमारी रिद्धि है ना जूतों को चप्पलों को बोलते चिप्पी चप्पी चप्पी चप्पी। अरे इसको अब क्या शाम का टाइम हो रहा, घूमने का टाइम हो गया। आ जाओ दोनों टिंगू आ जाओ जिया, कोई जंगल में छोड़े हुआ नहीं है क्या दिया ने। चलो बेटा पार्क में चलेंगे, हमारे घर के जस्ट बगल के अंदर पार्क है, तो हम इन दोनों बच्चों को रोज शाम को वहीं ले आते हैं। आजकल निकू आई हुई है तो निकू निकू के साथ आ जाते हैं। फिसल पट्टी हुई दिखूं नहीं बेटा, अकेले नहीं खाते फिसल पट्टी। इधर से नहीं चढ़ते बच्चे, आ जा फिसल पट्टी। ये देख ये उल्टा ही चढ़ना शुरू कर देती है, ये देख इसको तो भारत दीवाने। हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। तो आप लोगों ने देखा था, हमने आपको दिखाया था कि ना हम लोग मेरी दाइजे का सामान निकाल रहे थे, मतलब ये मेरे दहेज का जो तो क्या निकाल रहे थे, ये देख इनको ये निकाल रहे। तो हमने निकाल तो परसों से रखा है, बट हम इसको मतलब रसोई के लिए छाट नहीं पाए कि हमें क्या क्या रहना है। इन बच्चों की वजह से कुछ हमें वैसे भी काम था, तो मैंने सोचा फाइनली कि हमें टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो अभी कर लेते हैं। अब ये दोनों करने नहीं दे रहे, फिर से ये दोनों आ गए। रिद्धि को नई नई चीजें दिख रही है आज। सारे बर्तन इन्होंने निकाल लिए इसमें से, देखना बस है। एक ये पूरा बक्सा पड़ा है, मतलब बोरी के अंदर, बोरी में बक्सा। हाँ इस वाले को तो हटा दिया था बोरी, इसकी अब इसकी बोरी और हटनी बाकी है। रिद्धि पानी चीटी चीता चीता यार, तू इतने वर्ड क्लियर बोलती, मतलब इतने छोटे बच्चे बोलते हैं जैसे चीटा एकदम क्लियर नहीं, वैसे डरा रखा है इसको चीटा चीटा, जैसे कहीं से हिलती नहीं है ना, जैसे चीटा चीटा करके डरा देते। तो आज हमने पहले सेलेक्ट किए ये ग्लास, और देखो इसमें मेरा नाम भी है नीतू। देखा ए नीतू, सब काम कर रहे हैं ये बैठे बैठे। हमने और ये छह थालियां थी, ये वाली थालियां अच्छी है ना, एक माने तू चावल कड़ी खा सके जाने, तू लली भी कौन है। छह थाली है, छह की छह निकाल रहे हैं। छह थाली बढ़िया, इवन चावल बढ़िया खाई जाए मम्मी, यानी आजकल तुम्हारी मम्मी भी फैन है चावल की। है मम्मी है, मुस्कुराहट बता रही है आपकी। मम्मी थैली में से निकाल लो। हां थैली में से निकाल ले भाई। ये मेरी प्यारी मम्मी बेहद गंदी हंसी हंसती हुई। मम्मी आपकी हंसी बेहद ही स्माइल बहुत ही शानदार है, वाओ मम्मी। ये छह थाली हो गई भाई हमारी मस्त, और ये छह ग्लास निकाल लेते हैं। छह स्टील का कोई मेहमान आओ लो, कोई आपना कोई सब्सक्राइबर आओ बने आम ही पाजे। मेरा ना अभी अब तो सही है, इसका पैर शायद तो आपको सही हो गया। हाँ भाई निकू, बारह महीने पहले काला दाल दादा को पहली में ले रही दीदी वाली ने, दादा नवंबर में खत्म जाने सात साल होगी बेटा। अब खत्म हो गई, इन बर्तनों में ना बहुत चीजें अलग, जैसे कह रही ये गिलास अलग क्यों, हाँ ले लो ले लो। ये मतलब होता है ना, मतलब जैसे
बचपन से दादी मम्मी ना जो मतलब शादी के लिए इकट्ठा करते, सबसे बड़ी बेटी मैं थी, तो जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे ना वो भी सब मुझे दे दिए, सब कुछ धूल बीन के दे दिए। वाह, कुछ भी आता था ना रख दो ब्याह के लिए, कोमल के लिए सब नया खरीदा, बढ़िया बर्तन, इसलिए गिलास अलग है। तो ये वाला खाली हो गया, ये टंकी हमारे आटा रखने के काम आएगी। जैसे ये एक कटोरी अलग थी, ये कटोरी दो कटोरियां और ये एक गिलास अलग था, ये मसालेदारी निकाल ली हमने। ये वो होता है काफी ना शादियों में बर्तन देते हैं ना। और देखो ये सब अलग है, देखो ये मेरी दादी ने रख रखे थे कि नीतू का ब्याह होगा, देखो लोटी रख रखी, गुड़ बटाते हैं ना तब बर्तन देते हैं ना, तो वो इकट्ठे रहते हैं। मैं सोची ये एक और मसालेदारी है, ये कटोरदारी से मगज आता है ना जवाई के लिए। अब जैसे ये छह ग्लास निकले हैं, ये अलग है, ये पक्का मेरी दादी ने मेरे लिए रख रखे होंगे, ये खरीदे नहीं है पक्का, क्योंकि इन पे मेरा नाम भी नहीं है, ये पुराने ही है। हाँ मतलब जैसे आए हुए होंगे ना सेट रख रखे हैं, मम्मी ने अपने दहेज के रखे होंगे। ये तेरी मम्मी के दहेज के होंगे, पहले इतना देते ही नहीं थे मम्मी, दहेज में मेरे को दिए थे, मम्मी ने रख रखे थे। हाँ तो वही तो बड़ी बेटियों को देते हैं सारा पुराना, तो बड़े थे मेरे को तो इतना चुभ के दिया, सब कुछ नया आया था, एक चीज नई थी कोमल, मेरे को तो हर निकू ने तो सारी चीज चुक चुक दीजिए, मतलब अती पुरानी पुरानी चीजें छह ग्लास एक साथ रही अपने गांव में। नहीं मम्मी ए निकालो, ए बढ़िया है, नहीं सुनो ये छह भी सही है, ये भी सही, कभी ज्यादा गैस और तो पुराने है ना वो सब रख देंगे, ये सही है। हाँ भाई पिटारे में से और क्या क्या निकल रहा है, ये छोटी प्लेटों का सेट है, डोंगो मटन चीन में डोंगो वाली, ओ है डोंगो मम्मी, ये छोटी प्लेट है, वाटर प्लेट, ये भी निकाल लेते हैं, चावल खा बाकी मम्मी, मैं नाश्तो कर ला आपा, ठीक है ना, खाऊंगा हाँ खाऊंगा मम्मी आपा, और उसके बाद ये कटोरी है छोटी बड़ी, ये नाम लिखा और ये बड़ी, हाँ ये नई है देखो इसलिए चमक रही, इसमें नीतू नाम लिखा हुआ है, इसपे जो थैली में पैक है ना वो मतलब नई है, वो खरीदा गया करेगी, इसमें नीतू लिखा हुआ है, ये सेट किए देखो एक छोटी बड़ी, ऐसे थाली में ऐसे जवाई आ जाए तो जवाई सबको एक गिलास पानी और ऐसे दे दो, सही है ना। और खोलो भाई पिटारा जग, हाँ भाई ये बहुत जरूरी चीज है, चावल धोखा किया तो हाँ चावल बिरिये कुछ भी बनाओ ऐसे उबाल के, कभी पालक वालक धो लो, ज्यादा साग हो साग धो लो, पालक गेरी नीतू देखो तीन मम्मी, तीन किलो ही दूध आओ जा आपने बिल्कुल बराबर आओ, काम आती है कई चीजें कई बार, हाँ इसमें मेरा नाम ही है, ये मतलब मेरी दादी के टाइम की है, मेरी मम्मी ने ब्याह की होगी पक्का रखी, और मेरे को मम्मी ने कास्टी का थाली का थोड़ा भी था ना मम्मी वो भी रखे, इसमें से मोस्टली सामान हमने सब निकाल ही लिया, बाकी देखो कुकर था है ना मम्मी, ये सब हमने पहले निकाले थे, कुकर हो गया तवा हो गया, नॉन स्टिक बर्तन दिए थे मम्मी पापा ने, वो हमने निकाल लिए, इंडक्शन गैस निकाल ली, तो अभी दुकान दुकान समेटे क्या करें इनका, तो हमारी नई किचन में नई नए नए बर्तन और पुरानी पुरानी लुगाई, तो लुगाई ये मैच नहीं करा पाए, मैंने कहा किचन नई बर्तन नए तो लुगाई पुरानी, लुगाई तो मिल गई आगे, ये मेरी नई आटे की टंकी पहले वाली इतनी बड़ी थी, ये वाली पुरानी थी, ये बहुत ज्यादा बड़ी थी, अभी छोटी हो गई अभी, और अबे देख एक भी कटोरी एक सार कौन है, सब आड़ी बांकी टेढ़ी मेढ़ी, साल हो गए इधर घूम हो जाए शादियों में, अब इनको मैं अपने ऊपर वाली किचन में रखूंगी बर्तनों को, कि वैसे कभी काम आ जाएंगे इमरजेंसी, सारी आज हमारी फाइनली पूरी मैंने रसोई भी जमा दी, दुकान समट गई, मतलब नहीं लड़ना नहीं है, दोनों पुत्र एक तो लड़ते रहते हैं अलग अलग चीजें फिर भी लड़ते हैं, तो सारे रसोई के सारे मतलब नए ग्लास नई कटोरी प्लेट वगैरह चम्मच वगैरह सब जमा दी मैंने, पुराने बर्तन अलग रख दिए ऊपर वाली किचन के लिए, इनकेस कोई गेस्ट आ जाते तो ऊपर भी कुछ होना चाहिए ना, आगे दुकान समट चुकी कहवा को मतलब वो है, और अब चैन की सांस आई, अब मैं रिद्धि ने रुद्र ने दूध पिलाऊंगा, और अब मैं ये ब्लॉग एडिट करूंगी, अभी वैसे 5 बज रहे थोड़ा लेट हो गए सो सॉरी, थोड़ा ब्लॉग लेट आएगा, तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यही करते हैं, तो दैट्स ऑल टुडे इस व्लॉग, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत बढ़िया लगा होगा जी, अच्छा लगा होगा व्लॉग, अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर पुराने हो, बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने जो हमें रेगुलर देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा, आपको सब्सक्राइब किया कुछ नहीं करना, आपको यहाँ दिख रहा होगा साइड में इस तरीके से आपको सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है, उससे हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी आपके पास, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर खमा गणेश।